फिलहाल अभी की मैं बात करूं तो समालखा विधानसभा के पावटी गांव में मौजूद हूं। देखिएगा आप गांव के लोग यहां पर जो है इकट्ठा है और देखिएगा स्वागत के लिए यहां पर जो है खड़े हुए हैं। इनसे जो है बातचीत करेंगे कि किनका जो है प्रोग्राम है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हो गया जी? राजेंद्र। राजेंद्र जी गाँव के ही रहने वाले हैं। अच्छा, जो प्रोग्राम है किनका प्रोग्राम है आज हमारे गाँव में? चौधरी धर्म सिंह का प्रोग्राम। धर्म सिंह जी का है? धर्म जी। क्या है वैसे गाँव के अंदर चुनाव का माहौल? भाई मारा होंगे 1800 वोट पोल। हाँ। 1800 में थे 1100 वोट धर्म सिंह की पावटी गांव में। 1800 में थे 1100 वोट धर्म सिंह की है। हाँ। बाकी 700 बची, 700 में ये 5 कैंडिडेट हो रहा। 700 बची उसमें सारे 5 हैं और 1100 पक्के हैं। 1100 धर्म सिंह की पक्की जी। देख लीजिएगा कभी 1100 में से फिर वो आंकड़ा भी गलत हो जाए। नहीं नहीं उन तक फालतू हो जाए, कम फालतू हो उसके कम नहीं। अच्छा, मतलब 1100 से ज्यादा वोट डल सकते हैं धर्म सिंह जी के, कम नहीं हो सकते? कम नहीं हो सकते। ये कैसे आपने अंदाजा लगाया कि 1100 के आसपास जो इनके आएंगे? ये सुनो जी, जो पंडित जी शशिकांत जी थे वो 10 साल से बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। उस भाई साहब की टिकट की उस कारण जो है हमारे गांव से पंडित जी हैं जितने सब ने समर्थन धर्म सिंह का कर दिया। भाई सारे जाट उड़ान देखते हुए धर्म सिंह की तरफ। भाई इसने जाट नॉन जाट हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम है जो 95% मुस्लिम धर्म सिंह के साथ हैं। धर्म सिंह जी के साथ? धर्म सिंह के साथ। जी 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 जी। हाँ, तो मेरे ये आंकड़ा बना रहे हैं फिर आप? हाँ जी, आंकड़ा फालतू जाए। और जो काम करने में इन तो भाग जाना है इनका हल्के में थे। जो ये बाहर के आ रहे ना जी, इन क्या करना है, इन तो अपने काम चलाने हैं। हाँ। इन किसी सरकार से मतलब नहीं। ये तो बड़ भी गया तो यहाँ से भाग जाएगा। जैसे आप बता रहे थे कि जाट वोटर्स हैं। हाँ, जो धर्म सिंह जी के साथ हैं। धर्म सिंह के जाटों की मैं बात करूँ तो रविंदर माछरोली जी भी खड़े हैं, वो भी जाट आजाद लड़ रहे हैं। फिर यह ऐसा है, चल मैं डरता नहीं, उससे पहले भी मैं बोल रहा हूँ, जाटा की जो है हमारी 40 या 50 वोट रविंदर की तरफ जा सकती है सिर्फ। सिर्फ टोटल कितनी वोट है जाटों की बात की जाए तो? 600 वोट। 600 में से सिर्फ 50? 40। 40 मान के चले। हाँ जी, 600 में से 40 रविंदर जी की हैं और जो 560 वोट जो जाटों की हैं धर्म सिंह के साथ। अच्छा। हाँ जी, ये तो मतलब बड़ा पहली बार जो है देखने को मिला है। मैं बात करूं मेरी नहीं तो सर्वे कर लेगा हूं मैं। हाँ। बुझ ले, मतलब रविंदर के सिर्फ 40 ही की गिना दिया, गिनती की टोटल 40 है गांव में, सारी गिनती की, गिनती की दूसरी बरादरी भी आली उसमें से। हाँ। टोटल 40 वोट आने, टोटल 40 वोट है जी। हम तो यही सोच रहे थे कम से कम जो है जाटों की तो 100% ले लिया होगा रविंदर। कुल 40 वोट है जी गांव में तो। मुसलमान नहीं है मंदिर उसकी। क्या नाम है आपका? शमी। मुस्लिम है? मुस्लिम है। तो आप लोगों का क्या है इस बार चुनाव में माहौल? माहौल मारा मैं इस पे धर्म धर्मे पे है। धर्मा क्यों चुना आपने? और भी तो कैंडिडेट हैं। अरे हम तो शुरू से इसे दे रहे हैं। शुरू से ही दे रहे हैं? शुरू से ही दे रहे हैं। अच्छा, बनो या ना बनो? बनो ना बनो, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ जुड़े हैं। लगता है जीत जाएंगे विधायक इस बार, बन जाएंगे धर्म सिंह? अरे पीछे भी जीता दिया, अभी जीत जाएगा। अच्छा, पीछे भी आप लोगों ने मेहनत की थी और इस बार भी करेंगे? इस बार भी करेंगे जी। क्या नाम है भाई साहब? परवेज। यही गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव। क्या कहना चाहेंगे चुनाव में, क्या माहौल नजर आता है इस बार? माहौल सीधा कांग्रेस का प्रत्याशी है धर्म सिंह। धर्म सिंह जी का है? हाँ। तो कैंडिडेट और खड़े हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट? कुछ नहीं है उनका, कुछ कुछ भी नहीं है उनका। आप कौन से समाज से हैं भाई साहब? मुस्लिम। आप मुस्लिम है? हाँ। मुस्लिमों की कितनी वोट होंगी यहाँ पर? 150। 150 150 में से कितनी धर्म सिंह जी के पास जाएंगे? सारी जाओगी, टोटल सारी जाएंगी, टोटल जाएंगी, एक भी इधर उधर नहीं? एक भी नहीं जावा, परिवार ही एक है ये। अच्छा। एक नहीं जावा जी। आपका क्या नाम है? विनोद शर्मा। शर्मा जी पंडित जी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव? धर्म सिंह जी के साथ। धर्म सिंह जी के साथ? बिल्कुल। ये मतलब टिकट के बाद हुआ है धर्म सिंह जी के साथ या शुरू से ही? तो पहले से ही है। हमको जब इसमें कौशिक ने टिकट मिला करे थे तो हम तो तब भी धर्म सिंह के साथ ही थे पहले। 15 साल से इन्हीं के साथ। अच्छा।
मुझे ऐसा क्या नजर आता है धर्म सिंह जी के अंदर के जो आप इनके साथ जुड़े हुए इतने साल से? ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे पास मरा हुआ है, कोई दुख सुख में सबका वो है, मतलब इसका कोई सबका आवाज़ है, कोई ये नहीं। तो ये है सबसे मेन पॉइंट, ये पब्लिक में ही रहता है जी, पब्लिक में रहता है। हाँ, पब्लिक में रहता है, इसका सबसे मेन पॉइंट यही है, मतलब सभी से मिलजुल के रहता है, सभी से मिलजुल के रहता है। ऑफिस में जाओ एक मिनट में मिलेगा, ये नहीं है भाई ये है बाद में ये है ना। अच्छा, मैं गांव की मैं बात करूं तो गांव में कुछ विकास कुछ ऐसा कुछ करवाया है जिसको लेकर आपको लगे कि दोबारा फिर विधायक? हमारे गांव में तो सारा विकास, आप घूम के देखो हमारे गांव में कोई कमी नहीं जी किसी चीज की भी, मतलब धर्म सिंह जी ने ही करवाया। हाँ, 21 लाख तो अभी देगा था हमारे गांव के मंदिर में हाल बनवाया। अच्छा, एक मिनट हाँ किस हिसाब का गाँव ने किसने बोल दिया? पहले बोल रहा था बड़ा ना भूख लड़का है, बखेरा कोट पकड़ लो अखबार उन्होंने बताओ भूख लड़का क्योंकि देखा इसमें लड़का भूखन बोल दिया था। हाँ बोल दिया था, हाँ भूख लड़का बोल रहा था ना बोलते, पहले बनाए थे उनके रात में नाम कहूँ मुँह पर कहूँ है भूख लड़का कुकर बता देते मारका का सारा भूखा हो गया। अच्छा हाँ, तो फिर क्या चुनाव में माहौल, चुनाव में माहौल किनका है? चुनाव माहौल तो मेरा नहीं, जो पार्टी बोल रहा है पार्टी बोल रही है हरियाणा देश की पार्टी बोल रही है भाई, थोड़ी आदमी जो खड़े इतने थोड़ी रात बनाना तो कोई अब इस चीज़ नहीं निकल दे हैं कि, लेकिन बीजेपी पर नहीं जाएंगे? बीजेपी पर भी बचेरे जाएंगे, हम लोग निकल नहीं जाएंगे आपस में पार्टी मोहरी सबकी। अभी तो बता रहे हो भूखन बोल दिया है। हाँ भूखन से पहले बोल रहा था, पहले बोल रहा था। हाँ, तो वोट करेंगे इस बार? हाँ वोट करेंगे। सपोर्ट क्यों नहीं करूँगा मैं, कल आ रहा था आपको आज उस पर। हाँ मैं सोच करा दो अपने मारा तो और क्या करेगा। अच्छा क्या क्या भूखन और आता था उसने भूखन बोल दिया था। हाँ पहले बना जब ये तो कुछ कहा नहीं पहले बना जब। हाँ 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 ये तो बनकर जी अभी भी बोल सकता है मेरी तो वो बोल लिया मैं तो ये बाढ़ खड़े पंडित जी हैं के सारे। आ जाओ इस साइड में आ जाओ। क्या नाम होगा भाई जी? दीपक शर्मा। शर्मा जी गांव के ही रहने वाले हैं? गांव के रहने। जैसे आप युवा हैं तो युवाओं की क्या सोच है गांव में, किसको जिताना चाहते हैं इस बार? भाई इस टाइम धर्म सिंह चौकर को जिताएंगे। पंडित जी हैं? हाँ पंडित जी होंगे, धर्म सिंह चौकर की सब पूरा सपोर्ट है भाई को, पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। कारण क्या है जो आप लोग इनके साथ जुड़े हैं इनको जिताना चाहते हैं? निस्वार्थ भाव की राजनीति है इसकी, जो भी है हमेशा निस्वार्थ भाव की राजनीति रही है इसकी, कभी भी इसने ऊंच नीच कभी जात पात धर्म देखा नहीं इसने, जो भी हर टाइम हर खुशी में दुख में हर टाइम साथ खड़ा रहा है, हर टाइम साथ खड़े रहे हम बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे, फिर भी अब धर्म जी बीजेपी के कट्टे समर्थक रहे लेकिन इस चुनाव में धर्म सिंह जी के साथ छोकर साहब के साथ। अच्छा देख लीजिएगा कभी फिर वोट डले जब रिजल्ट आए पता चले ब्राह्मणों के वोट जैसे आप बता रहे हैं लगा दिए झंडे भाई ना तो खुलेआम झंडे हैं भाई कभी, मतलब खुलेआम हो गया मामला, खुलेआम सपोर्ट है, खुल के सपोर्ट है। तो अब बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? बीजेपी के साथ है भाई, बीजेपी का कोई ढंग का कैंडिडेट इस टाइम बीजेपी का ना कोई वो दीन ईमान रह नहीं रहा इस टाइम पर ना। अच्छा ना तो कोई सपोर्ट रह रहा, खाली ये मान के चलो कि दो आदमियों की इस टाइम पर सरकार चल रही है जी, तो बस नहीं चाहते कि बीजेपी में ना। लेकिन धर्म सिंह जी को स्टेट इलेक्शन में धर्म सिंह चौकर साहब जी। फिलहाल देखिएगा जो है यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ क्या नाम हो गया जी? नरेंद्र। नरेंद्र जी क्या है चुनाव का माहौल इस बार? चुनाव का माहौल तो आपने दिखने लग रहा है, चुनाव का माहौल तो ये तो कांग्रेस बता रहे हैं, धर्म सिंह जी का बता, धर्म सिंह का एक तरफा गति, एक तरफा है। अभी बता रहे थे कि 1800 पोलिंग होगी, 1800 में से 1100 पक्के हैं, 1100 पक्के के 1200-1500 पक्के लाओ, 1500 मान के चले। हाँ आपने बता दिए 300 ये बदलना लग रहे सरपंच जी, बदलने लग रहे हैं सरपंच साहब, आपने 300 बढ़ा दिए, बढ़ा बिल्कुल बढ़ा क्यों दे रहे, एक तरफा एक तरफ मोल दिखला रहा आपने जी। दूसरे कैंडिडेट हैं उनका क्या है फिर? और भी तो खड़े हैं, और भी पार्टी, बस उनका नहीं पता अपना क्या है, हमारा तो देख दिया जो तुम्हारे सामने दिखने लग रहा है वहाँ अपने क्रम के उनके मिलेंगे, लेकिन हाँ लेकिन धर्म सिंह का तरफा मोल है यहाँ पर, किसी का कोई और नहीं है। अच्छा गांव की मैं बात करूं, कौन सा ऐसा काम रुका हुआ है जो आप विधायक बनने के बाद इनसे वो करवाना चाहते हैं? 10 साल पहले काम ही नहीं करवाते, उसके बाद काम ही नहीं हुए मेरे गांव में कुछ। अच्छा 10 साल पहले काम हुए जिनसे, तो अब क्या करवाना चाहते हैं विधायक बनने के बाद? गांव में गांव के विकास के तो गांव का स्टेडियम है, गांव का एजुकेशन का कोई डिपार्टमेंट, पहले तो प्लस टू का स्कूल था हमारा, 8वीं तक का स्कूल था, जो दायरे में भी नहीं कहीं आवा था जी। इसने बने दायरे में प्लस टू करवा दिया था। अच्छा हाँ जो काम ना होने के थे वो इन्हें करवाए थे।
जो ना हो सकते थे वो इसने काम करवाए थे। हाँ। अब भी कुछ ऐसा है क्या जो कोई गांव के अंदर विकास करवाना चाहते हैं? विकास इसके आने के बाद विकास होगा। अच्छा। हाँ, हर एक बरादरी सतीश बरादरी का नेता है ये कोई एक पार्टी का नेता नहीं है, सारा सारा सतीश बरादरी का, हर एक कोई सी कौम इसी ने इसका काम नहीं करता, कोई जाओ इसका कॉलर पकड़ो काम को, इन्हें कोई मतलब नहीं, ना कोई समय बीच में पोचन दाई ना कोई मिलिटर भाई यो जाएगा यो काम करवाओगा, कोई जाओ किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि विधायक जी से बात करते जाओ सीधे काम करो। अच्छा। हाँ, काम करने की नीत है इसकी ना की क्या है नीत है। पहले गांव के हमारे बच्चे भी पहले भी लगे, आप उससे पहले भी जो काम करवा रखे सब ने पता है जिस कितने काम संभाल के में करवा रखे हैं। ठीक है ना, ऐसा नेता संभाल के लगा विकास यही कर सकता है, यही कर सकता है। चलिए फिलहाल देखिएगा गांव में यहां पर पहुंचे थे, इनसे बातचीत की के चुनाव को लेकर वोटर्स हैं जो वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार, जय हिंद।